राजस्थान प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज में ये आज हमारा लास्ट टेस्ट होगा सब्जेक्ट वाइज। इसके बाद जो भी टेस्ट डिस्कस करेंगे हम तो वो टोटल टेस्ट रहेंगे फुल लेंथ। तो ये सीरीज़ हमने देखा था स्टार्टिंग में, आपने देखा होगा कि पहले हमने PYQ डिस्कस किए, उसके बाद में करंट अफेयर डिस्कस किया, उसके बाद में हम सब्जेक्ट वाइज डिस्कस कर रहे हैं। सब्जेक्ट वाइज में हमने पॉलिटी देखा, इकोनॉमिक्स देखा, ज्योग्राफी देखा, फिर हिस्ट्री का, एंशियंट देखा, मिडिवल देखा, मॉडर्न का भी एक दो दिन के अंदर अंदर आपको लेक्चर मिल जाएगा। अब बाकी जो टेस्ट बचेंगे हम धीरे धीरे उनको 4-5 दिन के अंदर अंदर करा लेंगे, फिर आप जितना भी टाइम बचे उसको आप रिवाइज करने में ही अच्छे से यूटिलाइज़ करना। तो आज के टेस्ट में हम देखेंगे स्टेट और इंडियन पॉलिटी। तो इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन रहेंगे आपके स्टेट से रिलेटेड, राजस्थान में राज्य व्यवस्था से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन रहेंगे इस टेस्ट में हम डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी भी जिन साथियों ने, दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें और लिंक भी अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति चाहे तो राज्यपाल को 5 वर्ष पूरे हो जाने के बाद किसी अन्य राज्य में उसी राज्य में पुनः नियुक्ति दे सकता है। तो पहली बात ठीक है। दूसरा है, राष्ट्रपति 5 वर्ष की पदावधि पूर्ण होने से पहले ही बिना कारण बताए सुनवाई का मौका दिए बिना राज्यपाल को उसके पद से हटा सकता है। तो ये दोनों बातें ठीक हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए पहले कि सही पूछ रहा हो गलत पूछ रहा है, उसके बाद ही क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना। तो दोनों बातें ही ठीक हैं। तो कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग होता है? आर्टिकल 156 के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, राजस्थान में कार्यवाहक राज्यपाल के पद पर कौन कौन रहे हैं? तो देखिए जगत नारायण और वेदपाल त्यागी, ये दोनों ये कार्यवाहक राज्यपाल रहे हुए हैं कहाँ पर? राजस्थान में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। राज्यपाल का राज्य विधायिका को संबोधित करने का अथवा संदेश देने का अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो कौन से अनुच्छेद में है? वो आर्टिकल 175 में है। तो 176 में देख लेते हैं क्या है। तो इसमें जो है राज्यपाल द्वारा विशेष संबोधन है। इसमें 166 में क्या है? राज्य की सरकार द्वारा संचालित कार्रवाई है। और 153 में कहा गया है कि राज्य के लिए राज्यपाल होगा, ठीक है, राज्य के राज्यपाल का पद का उल्लेख किया गया है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल पर सिविल कार्रवाई शुरू होने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी शर्तें पूर्ण होना आवश्यक है? पहली चीज, यह सूचना लिखित रूप से राज्यपाल को देनी होगी, पहली बात ठीक है। ऐसी सूचना के बाद कम से कम 6 माह का समय देना होगा, तो ये बात सही नहीं है। 2 महीने का समय देना जरूरी होता है, तो ये दूसरा स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट जिसमें आएगा वो गलत हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा पहला और तीसरा। तीसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं, सूचना को पक्षकार को अपना नाम, पता, कार्रवाई की प्रकृति तथा मांगे गए अनुतोष का विवरण देना होगा, तो तीसरी बात ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, किन किन राज्यों में राज्यपाल को जनजातियों के कल्याण हेतु एक मंत्री की नियुक्ति का दायित्व दिया गया है? तो कौन कौन से राज्य हैं? झारखंड राज्य है इसमें, और आपका ये ओडिशा राज्य है, और भी कुछ राज्य हैं जैसे कि छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया। तो इन राज्यों में मंत्री की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट, यदि राज्यपाल एक से अधिक राज्यों में पद धारण करता है तो उसके वेतन का अनुपात कौन निर्धारित करेगा? तो राष्ट्रपति उसके वेतन का अनुपात निर्धारित करेगा, दोनों राज्यों से वो वेतन आएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों को सम्मिलित कीजिए। मुख्यमंत्री जैसे कि जगत नारायण, वो उनका विशिष्ट कार्य कौन सा था? तो इनका जगत नारायण का विशिष्ट कार्य था दस्यु आतंक उन्मूलन। दूसरा देखते हैं, अशोक गहलोत का मुख्य कार्य क्या था? तो अशोक गहलोत का मुख्य कार्य ये था सुनवाई का अधिकार अधिनियम, इनके टाइम पर ही आया था ये, ठीक है। तो ऐसे देखेंगे हम तो इसका आंसर आ जाएगा सी, यानी कि मोहनलाल सोखड़िया पंचायती राज व्यवस्था के टाइम पर आया, भैरव सिंह शेखावत अंत्योदय आंदोलन योजना, सॉरी अशोक गहलोत प्रशासनिक मितव्यता और ये विद्युत सुधार हुए, उसके साथ में अतिक्रमण मुक्त सूचना का अधिकार, राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम, इनके टाइम पर आए थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विशेषताओं से संबंधित मुख्यमंत्री का चयन कीजिए। संपूर्ण देश में एकमात्र विधायक थे जिन्होंने प्रथम 10 विधानसभा चुनावों में लगातार जीत दर्ज की थी। उनका नाम पर जयपुर में पत्रकारिता विश्वविद्यालय बनाया गया है, और ये 3 बार मुख्यमंत्री हैं लेकिन कभी कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए हैं। तो कौन थे? ये थे हरदेव जोशी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कोई भी मंत्री उस समय तक अपने पद पर बना रह सकता है जब तक कि विधानसभा में उसको बहुमत समर्थन प्राप्त है। दूसरा स्टेटमेंट है, केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रपति शासन का उपयोग करके राज्य मंत्रिपरिषद को बर्खास्त किया जा सकता है। और तीसरा स्टेटमेंट है, संविधान में गैर सदस्य को भी मंत्रिपरिषद में सम्मिलित करने का प्रावधान है, बशर्ते वह 6 माह किसी सदन की सदस्यता ग्रहण कर ले।
तो इसमें देखिए, इसमें पूछ रहा हूँ आपसे असत्य है, लेकिन ये तीनों बातें सत्य हैं, तो इसमें से आपका डी आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, वर्तमान राजस्थान मंत्रिपरिषद में निम्नलिखित कथनों पर विचार, मतलब कथनों का अवलोकन कीजिए। तो पहला स्टेटमेंट है, इसके अंतर्गत कैबिनेट स्तर की महिला मंत्रियों में श्रीमती शकुंतला रावत और श्रीमती ममता भूपेश शामिल हैं। दूसरा, वर्तमान मंत्रिपरिषद में कोई उपमंत्री नहीं है। तीसरा, वर्तमान में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की कुल संख्या कितनी है? 30 है। तो ये तीनों बातें ठीक हैं, तो सत्य पूछ रहा, तो तीनों बातें सत्य हो जाएंगी। ये नेक्स्ट है, रियासत काल में राजस्थान राज्य में निम्नलिखित में से किस स्थान पर उच्च न्यायालय स्थापित नहीं था? तो रियासत काल की बात कर रहा है, तो कहाँ पर नहीं था? कोटा में नहीं था, बल्कि जोधपुर, जयपुर, उदयपुर और बीकानेर में, यहाँ पर अलवर में था ये। नेक्स्ट चलते हैं, उच्च न्यायालय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, तो असत्य कथन जो है वो आपको बताना है। पहला है, मूल संविधान में प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था का प्रावधान किया गया था, तो ये बात ठीक थी। दूसरा, सातवें संविधान संशोधन 1956 के तहत साझा उच्च न्यायालय की स्थापना का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया था, तो ये सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार नहीं होता है, इसका अधिकार किसको होता है? संसद को, संसद को अधिकार होता है। गलत ही पूछ रहा, तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, दूसरा गलत पूछ रहा, तो इनमें से ही गलत होगा। तो ये कह रहा है कि देश के दो केंद्र शासित प्रदेशों में स्वयं का उच्च न्यायालय स्थापित है, तो ये बात ठीक है। कौन कौन से? दिल्ली व जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट चलते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की शपथ के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करना है, तो सत्य कथन आपको देखना है इसमें। तो पहला स्टेटमेंट है, न्यायाधीश अपना पद ग्रहण करने से पूर्व संबंधित राज्य के राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष प्रतिज्ञान लेता है, तो पहला स्टेटमेंट ठीक है। दूसरा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा मुख्य न्यायाधीश पद व गोपनीय की शपथ लेते हैं, तो ये गलत है। दूसरा, इस शपथ का प्रारूप तीसरी अनुसूची में दिया गया, ये बात ठीक है। देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा मुख्य न्यायाधीश संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं, जबकि और अन्य सभी जो होते हैं पद व गोपनीयता की शपथ लेते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से राजस्थान उच्च न्यायालय में वर्तमान में महिला न्यायाधीश कौन कौन है, वह आपको बताना है। तो इनमें से कौन कौन है? एक तो रेखा बोराना और नुपुर भाटी, ये दोनों वर्तमान में न्यायालय में हैं। बाकी और कौन है? देखिए, रेखा बोराना हो गया, सुभा मेहता हो गया, नुपुर भाटी हो गया इसमें। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, राजस्थान राज्य उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो कौन है? अगस्टिन चार्ज मसीह। ये कौन से नंबर के न्यायाधीश हैं राजस्थान में? तो ये जो 41वें मुख्य न्यायाधीश हैं राजस्थान में, इन्होंने शपथ कब ली है? 30 मई 2023 को। 40वें कौन थे? तो 40वें थे पंकज मित्तल। नेक्स्ट है, राज्य विधान परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, बताना है कि कौन सा कथन सही है। संसद को विधान परिषद के गठन के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है, पहली बात ठीक है। इसे राज्यसभा की भांति कभी भी समाप्त नहीं किया सकता, इसे समाप्त किया जा सकता है संसद द्वारा, तो केवल पहला स्टेटमेंट इसमें ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, किन राज्यों में विधानसभा सदस्यों की संख्या संविधान में उल्लिखित न्यूनतम संख्या से भी कम है? तो कौन कौन से हैं? वो गोवा है आपका एक, दूसरा सिक्किम है और तीसरा मिजोरम है। तो गोवा में कितनी है? गोवा में 40 है, सिक्किम में 32 है, और यहाँ पर मिजोरम में है 40, जबकि मिनिमम कितनी बताई गई है? मिनिमम 60 बताई गई है, तो आपका आंसर आ गया सी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, विधानसभा समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सत्य है आपको इनमें से बताना है। तो पहला स्टेटमेंट है, इन समितियों में अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है, ये बात गलत है। दूसरा स्टेटमेंट है, विधानसभा उपाध्यक्ष इन समितियों का कार्यकाल 6 माह तक बढ़ा सकता है, उपाध्यक्ष ने अध्यक्ष बढ़ा सकता है, कौन? अध्यक्ष। तीसरा है, कार्यकाल सरकार समिति किसी मंत्री को अध्यक्ष या सदस्य नियुक्त किया सकता, तो मंत्री को अध्यक्ष नहीं बनाया जा सकता, तो तीनों बातें इसमें से गलत हैं। नेक्स्ट है, राज्य विधानमंडल की वित्तीय शक्तियों से संबंधित निम्नलिखित पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है बताना है आपको। तो पहला है, अनुदानों की मांग पर मतदान केवल विधानसभा में ही होता है, विधान परिषद में नहीं होता है, पहला स्टेटमेंट ठीक है। दूसरा, विधान परिषद धन विधेयक के संबंध में संशोधन की सिफारिश कर सकती, बट जरूरी नहीं कि विधानसभा उसको माने। तीसरा, धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से विधानसभा में रखा जाता है, तो ये बात गलत है, तीसरा स्टेटमेंट इसमें गलत है। चौथा है, साधारण विधेयक दोनों सदनों में से किसी में भी सर्वप्रथम पेश किया जा सकता है, तो ये बात ठीक है, पहला, दूसरा और चौथा इसका आंसर ठीक है। तो जो धन विधेयक होता है उसका निर्धारण विधानसभा अध्यक्ष द्वारा तय किया जाता है, और यह विधेयक राज्यपाल की अनुमति से विधानसभा में रखा जाता है। यहाँ पर क्या दे रखा था? यहाँ पर दे रखा था कि
राष्ट्रपति की, जब राज्य का मामला तो राष्ट्रपति का क्या कर काम है इसमें, है ना। तो चलिए नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा राजस्थान विधानसभा की अवधि 6 वर्ष कर दी गई थी, तो किस में की गई थी, ये की गई थी आपके 42वां संविधान संशोधन 1976। नेक्स्ट है, राज्य मानवाधिकार आयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है। तो पहला स्टेटमेंट है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत एक स्वशासी उच्चाधिकार प्राप्त मानवाधिकारों की निगरानी संस्था है, पहला स्टेटमेंट ठीक है। इसके अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष है, ये गलत है, 3 वर्ष कर दिया गया। तो दूसरा जिसमें आएगा वो गलत हो जाएगा, आपका आंसर आएगा तीसरा। तीसरा स्टेटमेंट है, अध्यक्ष व सदस्यों को आयोग की पुनर्नियुक्ति की जा सकती है, तो ये बात ठीक है। 2019 में संशोधन करके 3 वर्ष या 70 वर्ष कर दिया गया था। राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, इंपोर्टेंट है, पूछ लिया था, तो कौन थे, कांता भटनागर इसके जो थे ये प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट चलते हैं, मजदूर किसान शक्ति संगठन किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है सूचना आयोग से संबंधित है। नेक्स्ट है, कुछ आरटीआई की महत्वपूर्ण धाराएं और संबंधित प्रावधान किस किस में है, तो धारा 6 के गति आवेदन का प्रारूप बताया गया है इसमें, धारा 15 संरचना, धारा 16 कार्यकाल, धारा 17 निष्कासन प्रक्रिया दी गई है। नेक्स्ट है, राज्य सूचना आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है। तो पहले ही यह पूर्णतः स्वशासी है तथा इसे अपने कार्यों के निष्पादन में किसी अन्य प्राधिकरण से निर्देश प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, तो ये बात ठीक है। दूसरा, इसका मुख्यालय जोधपुर में है, तो इसका मुख्यालय जोधपुर में नहीं, कहाँ पर, जयपुर में इसका मुख्यालय है, जयपुर में मुख्यालय है, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। अब आपने देख लिया दूसरा स्टेटमेंट जिसमें है वो सब काट दो, फिर उसके बाद में आपका तीसरा ऑप्शन बच जाएगा। तो तीसरा स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, आयोग के समक्ष द्वितीय अपील प्रथम अपील आदेश की प्राप्ति होने की तिथि से 90 दिवस में की जाती है, तो तीसरा स्टेटमेंट ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, राजस्थान विधानसभा में आंगल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व समाप्त कर दिया गया है, असत्य बताना, यानी कि ये सही बात है, समाप्त कर दिया गया है। दूसरा, महाधिवक्ता का वेतन निर्धारण विधानसभा द्वारा किया था, विधानसभा द्वारा नहीं होता है, ये राज्यपाल निर्धारण करता, तो दूसरा स्टेटमेंट जो है गलत है। ये तो निर्धारण कौन करता है, राज्यपाल करता है, और 104वें संविधान संशोधन द्वारा ये 2019 में हटा दिया गया था। ये नेक्स्ट है, 20 है नहीं था, यहाँ पर 19 ही है, 2019। नेक्स्ट है, राज्यपाल निम्नलिखित में से किन पदों पर नियुक्ति नहीं करता है, तो नियुक्ति किन पर नहीं करता, देखिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर नियुक्ति नहीं करता है। नेक्स्ट चलते हैं, मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से किस निकाय का अध्यक्ष होता है, तो किसका, योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उन मामलों का चयन कीजिए जहां विधान परिषद की को विधानसभा के समान अधिकार प्राप्त है, तो कहां कहां पे, साधारण विधायकों में होता है समान अधिकार, अध्यादेशों की स्वीकृति देने में समान होता है, और राज्य लोक सेवा आयोग के क्षेत्र अधिकार में वृद्धि करने के संदर्भ में समान होता है, तो तीनों बातें ये ठीक हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं असत्य कथन को छांटिए, इसमें कौन सा असत्य है, तो कह रहा है कि न्यायालय विधानसभा एवं उसकी समिति को जांच नहीं कर सकता है, बट ठीक है। दूसरा, उच्च न्यायालय या किसी न्यायालय के किसी न्यायाधीश के अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए आचरण के विषय में राज्य के विधानमंडल में कोई चर्चा नहीं होगी। तीसरा, सदन के चालू सत्र के दौरान विधानमंडल के सदस्यों को साक्ष्य देने अथवा बतौर गवाह न्यायालय में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। चौथा स्टेटमेंट है, आपराधिक मामलों के संदर्भ में विधानमंडल के सदस्यों को सत्र चलाने के 40 दिन पहले व 40 दिन बाद गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, आपराधिक मामलों में नहीं था ये, तो कौन से मामले, ये सिविल मामलों में था ये, तो चौथा स्टेटमेंट गलत है। ये कौन से मामले थे, केवल सिविल मामलों में छूट प्रदान की गई है। चलिए नेक्स्ट है, राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए योग्यता रखने वाले किसी व्यक्ति को कितने वर्ष के लिए अतिरिक्त न्यायाधीश के पद पर नियुक्त कर सकता है, तो कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए कर सकता है, आर्टिकल 224 के अनुसार। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय के संबंध में आपको विचार करना है कि कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है। ये तो पहला स्टेटमेंट है, उच्चतम न्यायालय के समान उच्च न्यायालय में भी न्यायाधीश बनने हेतु कम से कम 10 वर्ष तक या उच्च न्यायालय के अधिवक्ता रहने की अनिवार्यता, पहला स्टेटमेंट ठीक है। दूसरा है, उच्चतम न्यायालय की भांति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण नहीं हो सकता, तो भाई ये तो बात गलत है, स्थानांतरण हो सकता है इनका। संविधान की व्याख्या से संबंधित मामलों का निर्णय उच्च न्यायालय में नहीं किया जा सकता, तो ये पहला और तीसरा स्टेटमेंट ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान अध्यक्ष के हैं इसके जेके व्यास। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन आरटीआई एक्ट 2005 की किस धारा के तहत किया गया था, तो धारा 15 के तहत इसका गठन किया गया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 है,
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू हो गया। सत्य बताना आपको तो ये बात गलत है भाई साहब, अब 2019 के बाद में जम्मू कश्मीर में भी लागू है। दूसरा स्टेटमेंट है, इसके अंतर्गत लोक सूचना अधिकारी प्रथम अपीलीय अधिकारी प्राधिकारी से वरिष्ठ होता है, तो ये बात गलत है। तीसरा, राज्य सरकार के स्तर पर अधिनियम हेतु नोडल विभाग का दायित्व प्रशासनिक सुधार विभाग को दिया गया है, तो तीसरा स्टेटमेंट केवल ठीक है। देखिए, प्रथम अपील अधिकारी राज्य लोक सूचना अधिकारी से वरिष्ठ होता है। चलिए नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 36 है, जिला दंडनायक के रूप में जिला कलेक्ट्रेट की शक्तियाँ क्या क्या हैं, तो कौन सी शक्तियाँ? देखिए, स्थानीय निकायों पर नियंत्रण व पर्यवेक्षण करना पहली शक्ति है। जिले में स्थित सरकारी भूमि पर अतिक्रमण रोकना, तो ये नहीं है। राजकोष पर नियंत्रण नहीं, विदेशियों के परिपत्रों की जांच करना, तो ये इसका नियंत्रण में है, तो पहला और चौथा इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट है, संभागीय आयुक्त से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर बताइए। तो पहला स्टेटमेंट है, इस व्यवस्था की शुरुआत लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा की गई थी, पहला स्टेटमेंट ठीक है। 1949 में राजस्थान में 5 जिलों का संभाग बनाया गया था, तो ये बात भी ठीक है। अभी संभाग कितने हो गए? अब 10 हो गए हैं। तो तीसरा स्टेटमेंट है, 1987 में मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत द्वारा इस व्यवस्था को पुनः स्थापित किया गया एवं अजमेर को छठा संभाग बनाया गया, तो मुख्यमंत्री भाई साहब ये भैरव सिंह शेखावत नहीं थे, तो कौन थे? हरदेव जोशी थे। तीसरा स्टेटमेंट जिसमें आ गया वो गलत हो गया, पहला और दूसरा ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले का सर्वेक्षण किसका दायित्व है? तो ये दायित्व है उपखंड अधिकारी का। नेक्स्ट है, एक तरफ तो समिति है, दूसरी तरफ बर्स हैं, तो इसमें से सबसे पहले गठन किया गया था हरिश्चंद्र समिति का, 1963 में सबसे पहले हरिश्चंद्र समिति का गठन किया गया था। उसके बाद शादीकाली समिति बनी थी, वो बनी थी जस्ट उसके एक साल बाद 1964 में। अगर बात करें हम गिरधारी लाल समिति की, तो गिरधारी लाल समिति बनी थी 1973 में। उसी के बाद अगर बात करें गुलाब चंद कटारिया, तो बनी थी गुलाब चंद कटारिया बनी थी 2009 में, तो आपका पहला आंसर आ जाता है। और कौन कौन सी समिति है पंचायती राज से संबंधित? हरिश्चंद्र हो गई, शादीकाली, गिरिधर लाल, हरलाल, हरलाल सिंह खर्रा, गुलाब चंद कटारिया और बी एस ब्यास समिति, ये ग्राम सचिवालय संबंधित थी। नेक्स्ट है, राज्य वित्तायोग के संबंध में असत्य कथन आपको बताना है, तो कौन सा असत्य है? तो राज्य वित्तायोग का गठन राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार हुआ था, तो ये नहीं था, 1994 के अनुसार हुआ था, पहला स्टेटमेंट गलत है। इसमें एक अध्यक्ष पे 3 सदस्य होते हैं, तो ये गलत है, एक सदस्य पे 4 सदस्य होते हैं, दोनों स्टेटमेंट इसमें गलत हैं। कौन सा कोड आर्टिकल? आर्टिकल 243 का आई और वाई के अंतर्गत राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है। नेक्स्ट है, पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों की योग्यता से संबंधित अनुच्छेद है कौन सा? 243 का एफ। 243 के डी में आपने देखा होगा कि आरक्षण से संबंधित प्रावधान है, आई में वित्त आयोग है, एफ में सदस्यों की योग्यता है और एच में करारोपण वगैरह दिया हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 है, पंचायती राज संस्थाओं में अविश्वास प्रस्ताव के प्रावधानों पर विचार करना है, तो सही उत्तर का इसमें चयन करना है। पहला, यह प्रस्ताव दो तिहाई यानी दो तिहाई न्यूनतम सदस्यों के समर्थन से पेश किया था, तो दो तिहाई नहीं है, एक तिहाई है, तो पहला स्टेटमेंट जिसमें आएगा वो गलत हो जाएगा, तो दूसरा स्टेटमेंट दूसरा आपका आंसर आ जाता है। 3/4 सदस्यों के समर्थन से पारित हो गए अविश्वास प्रस्ताव कार्यकाल के प्रथम 2 वर्ष में अंतिम 1 वर्ष में नहीं लाया जा सकता। चलिए नेक्स्ट है, पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित अनिवार्य प्रावधानों के बारे में आपको बताना है, कौन सा स्टेटमेंट ठीक है? देखिए, पहला स्टेटमेंट है, राज्य वित्त आयोग एवं राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है, मतलब ये अनिवार्य प्रावधानों में। महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है, तो महिलाओं के लिए 33% नहीं, 1/3 आरक्षण है, ठीक है, तो इससे ये कह रहा है 33% से अधिक आरक्षण, तो ये गलत है, दूसरा जिसमें आएगा वो गलत होगा, आपका ये तीसरा आंसर आ जाता है। पंचायती राज संस्थाओं का लेखा परीक्षण, तो ये भी नहीं है। वार्ड में पंचायत समिति के प्रत्यक्ष निर्वाचन, ये प्रावधान है इसमें। और कौन कौन से अनिवार्य प्रावधान में ये देख लेते हैं, एक तो यह है कि ग्राम सभा का गठन, दूसरा त्रिस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए, तीसरा है न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए चुनाव लड़ने के लिए, बाकी राज्य वित्त आयोग में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया जाना चाहिए, जिला योजना समिति का गठन का प्रावधान है, और वार्ड पंच एवं पंचायत समिति सदस्यों के प्रत्यक्ष निर्वाचन और महिलाओं का 1/3 आरक्षण है। अगर बात करें इसमें ऐच्छिक प्रावधान कौन से हैं, तो OBC आरक्षण ऐच्छिक है, महिलाओं को 50% आरक्षण ऐच्छिक। तीसरा, पंचायती राज संस्थाओं का लेखा परीक्षण, सभी स्तरों पर अध्यक्ष का चुनाव। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 है, कौन सा अधिनियम या नियम राजस्थान में ग्राम सभा की संयुक्त बैठकों का प्रावधान करता है? राजस्थान की बात कर रहा भाई ये, तो कौन सा है वो? 2011 का अधिनियम है, तो राजस्थान पंचायती राज उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों में लागू होने का संबंध में उपांतरण,
चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45 है, नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें 1964 में राजस्थान में सर्वप्रथम माउंट आबू में नगर पालिका की स्थापना की गई थी। तो ये कहाँ पर की गई थी? ये 1964 नहीं था, 1864 में की गई थी ये। क्लियर है? कहाँ पर? माउंट आबू नगर पालिका की, 1864 में। दूसरा, लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, ये बात ठीक है। तीसरा, वर्तमान नगरीय स्वशासन ये जो राज्य सूची का विषय है, तो दोनों बातें ये ठीक हैं। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सही है उसके बारे में बताना है आपको। तो पहला स्टेटमेंट है, RPSC 15 अगस्त 1949 का से प्रभाव में आया था। तो भाई साहब, ये 15 अगस्त 1949 नहीं था, 20 अगस्त 1949 था। तो 5 दिन का अंतर करके इसने स्टेटमेंट में फेरबदल कर दिया, तो उसके बाद में आंसर आपका आ जाता है डी। दूसरा स्टेटमेंट है, आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को पद पर बने रहने के लिए 6 वर्ष का कार्यकाल या 65 वर्ष पूर्ण नहीं कर लेते। तो भाई साहब 65 नहीं है, 62 वर्ष है, तो दूसरा भी स्टेटमेंट भी गलत है। तीसरा स्टेटमेंट है, कार्यकाल की समाप्ति के पश्चात अध्यक्ष व सदस्य उसी पद पर पुनर्नियुक्त नहीं होंगे। तीसरा स्टेटमेंट ठीक है। चौथा है, अनुच्छेद 317 के तहत राज्यपाल सर्वोच्च न्यायालय की जांच के दौरान अध्यक्ष व सदस्यों को निलंबित कर सकता है। तो चौथा स्टेटमेंट भी ठीक है। नेक्स्ट है, किन पदाधिकारी पदाधिकारियों के खिलाफ शिकायत प्राप्त होने पर लोकायुक्त यानी कि राजस्थान द्वारा जांच नहीं की जा सकती? लोकायुक्त राजस्थान द्वारा जांच नहीं की जा सकती, किसके? सरपंच व पंच के। और कौन कौन है? देखिए, मुख्यमंत्री के खिलाफ भी जांच नहीं की जा सकती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 है, राज्य स्तर पर लोकायुक्त की नियुक्ति का सर्वप्रथम अनुशंसा किसने की थी? तो किसने की थी? प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने ये प्रशंसा की थी, अनुशंसा की थी। चलिए नेक्स्ट है, RPSC के संबंध में बताना है कि प्रथम पूर्णकालीन अध्यक्ष कौन थे इसके? तो ये थे आपके SC त्रिपाठी। उसके बाद प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे LL जोशी। न्यूनतम कार्यकाल किसका था? तो न्यूनतम कार्यकाल था PS यादव का। और प्रथम सचिव कौन थे? श्याम सुंदर शर्मा। पहला आंसर आपका आ जाता है। चलिए नेक्स्ट है, राज्य निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने की प्रक्रिया का सत्यकथन है। तो देखिए, राज्य निर्वाचन आयुक्त को संसद के द्वारा महाभियोग प्रस्ताव पारित होने पर राष्ट्रपति के द्वारा हटा दिया जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, राजस्थान लोक सेवा आयोग में 2008 में 17 दिन एक सदस्य आयोग भी रहा, जो CR चौधरी अकेले अध्यक्ष व सदस्य रहे थे। दूसरा स्टेटमेंट है, सही बताने इसमें तीनों, कि रघु कुल तिलक RPSC के सदस्य तथा वर्तमान बाद में राज्यपाल भी बने हैं। दूसरा स्टेटमेंट ठीक है। KL कमल जो राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य रहे, बाद में विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे, तो तीनों स्टेटमेंट ये ठीक हैं। कौन नीति निर्माण का अनौपचारिक माध्यम है? अनौपचारिक माध्यम कौन सा? भाई साहब, ये मीडिया है। नेक्स्ट है, यदि राजस्थान विधानसभा कोई ऐसा विधेयक पारित करती है जिससे उच्च न्यायालय की संवैधानिक स्थिति को खतरा पहुंचता है, तो राजस्थान का राज्यपाल क्या करेगा? विधेयक पर अनुमति नहीं देगा, किंतु उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है, आर्टिकल 200 के अनुसार। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान में अब तक 3 महिला राज्यपाल रही हैं, इनका कालानुक्रम कौन कौन सा है? तो सबसे पहले देखिए, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल आई थी, तो तीसरा जिसमें आएगा पहला वही आपका आंसर है, तीसरा पहला आ गया। उसके बाद में रही थी आपके ये प्रभा राव, उसके बाद में रही थी फिर मार्गरेट अलवा। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही का चयन कीजिए। विधानसभा को विघटित करने का अधिकार विधानसभा अध्यक्ष को है, तो ये विधानसभा अध्यक्ष को अधिकार नहीं है, ये राज्यपाल को अधिकार होता है, यानी गवर्नर के पास ये अधिकार होता है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, तो आपका दूसरा आंसर आ जाता है। संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख सकता है। तीसरा है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत के 29 विषय दिए गए हैं, तो दोनों बातें ही ठीक हैं। राजस्थान विधानसभा की विभिन्न वित्तीय समितियों के बारे में निम्नलिखित पर विचार करना है, तो कौन सा कथन अस्तित्व है आपको भी बताना है। पहला स्टेटमेंट है, इन समितियों में 15 से अधिक सदस्य नहीं होंगे, तो पहला स्टेटमेंट ये ठीक है। दूसरा, वित्तीय समितियों के सदस्यों की नियुक्ति विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है, तो ये बात गलत है। नियुक्ति कहाँ से होती है? विधानसभा में ही होती है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा नियुक्ति होती है। दूसरा स्टेटमेंट गलत है, राजस्थान विधानसभा राजस्थान अध्यक्ष आकस्मिक रिक्ति को मनोनयन द्वारा भर सकता है, तो ये बात ठीक है। जो तक कोई भी मंत्री वित्तीय समिति का सदस्य या पदेन अध्यक्ष हो सकता, कभी नहीं हो सकता। दूसरा और चौथा स्टेटमेंट गलत है।
नेक्स्ट है, राज्य विधानमंडल के सदस्य चुने जाने के लिए संविधान में उल्लिखित अर्हताएं कौन सी, तो भारत का नागरिक होना चाहिए, पहला स्टेटमेंट। दूसरा क्या कहता है, विधानसभा के लिए कम से कम 25 एवं विधान परिषद के लिए 35, ये तो वैसे ही गलत है, विधान परिषद के लिए 30 होती है। दूसरा स्टेटमेंट काट देंगे, ऐसा तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ से काटेंगे, हमारा पहला ऑप्शन आ रहा राज्य, उसमें राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित अन्य अर्हताएँ होनी चाहिए, तो उसमें विधानमंडल द्वारा नहीं संसद द्वारा निर्धारित अन्य अर्हताएँ होनी चाहिए, तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला पहला इसका आंसर है। विधानसभा में 25 होती है, विधान परिषद में 30 होती है, संसद द्वारा अर्हताएँ होनी चाहिए। नेक्स्ट है, कौन विधानसभा एवं राज्य विधानसभा परिषद के आम चुनावों की अधिसूचना जारी करता है, तो राज्य की अगर बात करें तो राज्य में करता है राज्यपाल और केंद्र में करता है राष्ट्रपति। कौन सी विधानसभा को भंग कर राज्य में प्रथम बार मध्यवर्ती चुनाव कराए गए थे, तो कौन सी, छठी विधानसभा थी ये, कब, 1980 में। असत्य कथन को आपको पहचानना है कौन सा अत्य है, तो तीसरा है हीरालाल देवपुरा, जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी, राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री तो ये नहीं थे, कौन थे, बरकतुल्ला खान थे, जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से मुख्यमंत्री राज्यपाल भी रहे हैं, तो कौन कौन थे, मोहनलाल सुखड़िया, हरदेव जोशी, जगन्नाथ शिवचरण, ये चारों ही थे, मुख्यमंत्री भी थे और राज्यपाल भी रहे हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या में विस्तार कौन कर सकता है, तो राज्यपाल ही कर सकता है। नेक्स्ट है, राजस्थान वित्त आयोग के अध्यक्ष का सही क्रम कौन सा है, तो सबसे पहले देखिए कौन थे, कृष्ण कुमार गोयल, हीरालाल देवपुरा, मणिक चंद्र और बी डी कल्ला। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अभी कौन है वर्तमान में, छठे कौन है, श्री प्रद्युमन सिंह है ये। नेक्स्ट है, राज्य मानवाधिकार आयोग की धारा एवं उसके विषय संबंधित जानकारी आपको बतानी है, तो धारा और विषय जानकारी देखिए, पहले में आपको दे रखा है कि धारा 22 सदस्यों की नियुक्ति संबंधित है, दूसरी धारा 23 सदस्यों को हटाना और धारा 28 वार्षिक प्रतिवेदन, तीनों बातें ठीक हैं। नेक्स्ट है, असत्य को पहचानना है, वर्तमान में देश में 25 हाईकोर्ट हैं, तो बात पहली बात ठीक है। दूसरा, वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय में स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या उच्चतम न्यायालय के स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या से कम है, कम नहीं है, अधिक है। उच्चतम न्यायालय में कितने भाई साहब, उच्चतम न्यायालय में 34 और राजस्थान न्यायालय में कितने, 50 है, कौन से ज़्यादा, वो 50 ज़्यादा है, होगी नहीं, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। राजस्थान सूचना आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए, कौन सा असत्य आपको ये बताना है, इसका गठन 18 अप्रैल 2006 को किया गया था, तो ये बात ठीक है, किसका, राजस्थान सूचना आयोग का। दूसरा, राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, दूसरा भी ठीक है। तीसरा, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त को शपथ राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाती, तो तीनों स्टेटमेंट ठीक हैं, कोई भी सही मतलब गलत नहीं है। राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, पहला है कि प्रारंभ में इसमें 15 विभाग में 108 सेवाएँ शामिल थीं। दूसरा, द्वितीय अपीलीय अधिकारी को सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत शक्ति प्राप्त हैं। तीसरा क्या है कि प्रथम अपील अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध 60 दिवस के अंतर द्वितीय अपील अधिकारी को अपील की जाती है, तो ये सारी बातें ठीक हैं। नेक्स्ट है, जयपुर में स्थानीय न्यायपीठ की स्थापना की गई, कब की गई थी, तो ये की गई थी आपकी राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल और राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के बाद, किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। अब ये 8 दिसंबर 1976 को राष्ट्रपति ने राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 51 के तहत ये कार्य किया था। चलिए नेक्स्ट है, किसे जिले का जिला न्यायाधीश न्यायालय एवं जिला मुख्यालय अवस्थित नहीं है, किस जिले का जिला न्यायाधीश मुख्यालय और जिला मुख्यालय अवस्थित नहीं, कौन सा, बाड़मेर, बाड़मेर का कहाँ पर है, यह बालूतोरा में। शिवचरण माथुर निम्नलिखित में से किस पद पर रहे हैं, तो आप जानते हैं कि ये राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य प्रशासनिक सुधार आयोग और जिला प्रमुख रहे हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान, ये राजनीतिक वैज्ञानिकों से संबंधित निम्नलिखित शब्दों में और भारतीय संघवाद का वर्णन करने के लिए उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले शब्दों पर विचार करें, तो एक तरफ तो आपको टर्म दे रखा, दूसरी तरफ पॉलिटिकल साइंटिस्ट। तो पहला है कि अर्धसंघीय किसने इस्तेमाल किया था, केसी बियर ने, तो सौदेबाजी संज्ञा ये इनने नहीं किया था, मॉरिक्स ने किया था, ये दूसरा गलत है। तो तीसरा, अत्यंत संघीय ये पाल एप्लेवी ने कहा था, सहकारी संज्ञा ये ग्रेनविल आइंस्टीन ने कहा था, तीन बातें इसमें ठीक है, गलत है। तो देख लेते हैं, सौदेबाजी किसने कहा था, ये कहा था मॉरिस जोन्स ने। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन गलत है, आपको पहचानना है। तो पहला, संघवाद शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान की प्रस्तावना और अनुच्छेद 1 में किया गया है, बात गलत है, तो इसका कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। दूसरा है कि भारतीय संघीय व्यवस्था में कनाडाई मॉडल पर आधारित है, ना कि अमेरिकी मॉडल पर, ये बात ठीक है। तो दूसरा जिसमें आएगा वो तो गलत होगा, मतलब वो तो सही है ऑलरेडी। एकात्मक सरकार की अनिवार्य विशेषताओं में से एक सदनीय विधायिका के साथ
अलिखित एवं लचीला प्रमुख संविधान, ये संविधान प्रमुख है तो ये बात गलत है। तो तीन दो बातें इसमें गलत हैं, एक ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, कौन भारतीय संविधान में एकात्मक प्रणाली की विशेषता नहीं है? तो कौन सी नहीं है? स्वतंत्र न्यायपालिका, ये एकात्मक की नहीं है, ये संघीय विशेषता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा न्यायिक समीक्षा से प्रतिरक्षित है, तो बात गलत है। दूसरा, राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल में से लिखित अनुशंसा प्राप्त करने के बाद राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, तो दूसरी बात ठीक है। तीसरा, राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा 1971 में पहली बार की गई थी, तो ये बात गलत है। कब की गई थी? 1962 में की गई थी, तो दूसरा स्टेटमेंट ठीक है, बाकी गलत है। तो पहली बार कब की गई थी? 1962 में घोषणा की गई थी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, कौन सी परिस्थितियाँ भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर प्रभाव डालती हैं? तो कौन कौन सी हैं? देखिए, राष्ट्रपति शासन तो डालता नहीं है, पहला हटा दो, पहला हम जैसे हटाओगे दौड़ जाएंगे, राष्ट्रपति शासन और मार्शल लॉ दोनों डालते हैं। नेक्स्ट है, वित्तीय आपातकाल के संबंध में आपको बताना है कि कौन सा कथन ठीक है। तो पहले, ये वित्तीय आपातकाल की घोषणा को इसके जारी होने की तारीख से 2 महीने के भीतर संसद द्वारा दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए, तो पहला स्टेटमेंट ठीक है। दूसरा है, एक बार संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन होने के बाद वित्तीय आपातकाल अधिकतम 6 महीने या राष्ट्रपति द्वारा रद्द किए जाने तक जारी रहता है, तो अधिकतम 6 महीने नहीं, इसका अनंत काल है, कोई काल नहीं इसका, जब तक चलेगा चलता रहेगा, पहला स्टेटमेंट ठीक है। तो देखिए, ये दोनों देखिए, इसका जो है मंजूरी मिलने के बाद राष्ट्रपति द्वारा रद्द किए जाने तक अनंत काल तक चलता है। नेक्स्ट है, राज्यों के गठन के अनुसार कालानुक्रम बताना है। इसमें सबसे पहले देखिए, मणिपुर गठन हुआ था, मणिपुर कब हुआ था? 1972 में, फिर त्रिपुरा आया 72 के में ही, उसके बाद मिजोरम, फिर अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश 86 में हुआ था, मिजोरम 86 में, और ये 72 में, ये 72 में। चलिए नेक्स्ट है, संविधान संशोधन के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। संवैधानिक संशोधन विधेयकों के लिए संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, बात गलत है, इसके लिए नहीं बुलाई जा सकती है, गलत कोई पहचानना है इसमें। संवैधानिक संशोधन विधेयक केवल राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद ही पेश किया जा सकता है, इसमें कोई अनुमति की जरूरत नहीं है, तो दोनों बातें गलत है ये। नेक्स्ट है, संवैधानिक संशोधन विधेयक के प्रावधानों के बारे में बताना है आपको, कौन सी बात सही है ये बताना है। पहला, संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, बात ठीक है। विधेयक को प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए, ये बात भी ठीक है। तीसरा, विधेयक को केवल एक मंत्री द्वारा ही लाया जा सकता है, ये बात गलत है, ये निजी सदस्य भी इसको ला सकता है, तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट ठीक है, मंत्री या कोई निजी सदस्य लाया जा सकता है इसको। नेक्स्ट है, किसी निम्नलिखित में से कितने संवैधानिक संशोधन प्रावधानों में राज्यों की सहमति आवश्यक है? तो पहला उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय इसमें आवश्यक है। दूसरा, सातवीं अनुसूची से रिलेटेड कोई मामला है तो राज्यों में राज्यों का प्रतिनिधित्व और संविधान उसकी प्रक्रिया में संशोधन की शक्ति, तो ये चारों में ही जरूरी है। नेक्स्ट है, राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो पहला स्टेटमेंट है, चीन एकमात्र ऐसा देश है जो वन पार्टी सिस्टम का पालन करता है, बात गलत है, चीन के साथ में एक दो कंट्री और भी हैं जो करते हैं, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, तो पहले जैसे गलत हुआ 3 कट गए, आपका आंसर आ गया सी। ब्रिटेन में 2 पार्टियाँ डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन है, अमेरिका में कंजर्वेटिव लेबर है, जबकि ये ब्रिटेन में कंजर्वेटिव ये है और अमेरिका में कौन सी, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन, तो यहाँ पर गलत कर दिया इसने, तो ये तो वैसे गलत हो गया। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता के लिए निम्नलिखित में कौन सी शर्त जरूरी है? तो पहला स्टेटमेंट है, सही बताना है कि 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल का प्राप्त हुआ हो, उसे पहली बार ठीक है। यदि इसके उम्मीदवारों ने पिछले लोकसभा आम चुनावों में राज्य या राज्यों में केवल में राज्यों में 4 लोकसभा सीटें जीती हों, नवीनतम लोकसभा या विधानसभाओं में 4 या अधिक राज्यों में कुल भेद मतों का 6% हासिल किया हो, तो दूसरी बात भी ठीक है। तीसरा है, यदि पार्टी ने कम से कम 4 राज्यों में लोकसभा की कुल सीटों में से 2% सीटें जीती हों, तो 4 राज्यों में नहीं 3 राज्यों में है, तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है, तीसरा जैसे गलत हो 3 गलत हो गए, पहला आपका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, अभी कितनी पार्टियाँ, नेशनल पार्टी 6 हैं अभी, लास्ट पार्टी जो आम आदमी पार्टी को मिला है इसे। नेक्स्ट चलते हैं, पहला स्टेटमेंट है इसमें कि भारत का चुनाव आयोग चुनाव के उद्देश्य से राजनीतिक दलों को पंजीकृत करता है और उनके द्वारा चुनाव प्रदर्शन के आधार पर उन्हें राष्ट्रीय या राज्य दलों के रूप में मान्यता देता है, तो सही कथन बताना, पहला स्टेटमेंट ठीक है। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1950 के तहत चुनाव आयोग के पास किसी भी राष्ट्रीय या राज्य पार्टी का पंजीकरण रद्द करने की शक्ति है, तो 1950 नहीं 1951 के अनुसार है, तो 1951 की धारा 29 के अनुसार है, तो पहला स्टेटमेंट केवल ठीक है। नेक्स्ट है, गठबंधन सरकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही कथन का चयन कीजिए। तो पहला, यह सरकार का अधिक लोकतांत्रिक स्वरूप सुनिश्चित करता है। दूसरा, वे विचारधारा से अधिक सामान्य शासन की व्यावहारिकता पर आधारित है, तो दोनों बातें ठीक हैं।
चलिए नेक्स्ट है, कौन सा गठबंधन सरकार का गुण नहीं है? तो पहला है लचीली सरकारी नीतियाँ, ये तो है। दूसरा क्षेत्रीय आकांक्षाओं को पूरा करना, ये भी है। तेजी से निर्णय लेना नहीं होता, धीमे निर्णय लिए जाते हैं इसमें। नेक्स्ट है, भारत में गठबंधन सरकारों के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। पहला है NDA केंद्रीय स्तर पर सरकार बनाने वाला पहला गठबंधन था, तो ये बात गलत है। पहला कौन था? जनता दल था। दूसरा है 1977 से लेकर 2019 तक 12 गठबंधन सरकार बन चुकी हैं, तो ये बात ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव आयोग का कार्य नहीं है? तो चुनाव आयोग गठबंधन दलों के नेताओं की मंजूरी, ये चुनाव आयोग का कार्य नहीं है। नेक्स्ट है, किस मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल सबसे लंबा रहा था? तो किसका रहा था? ये KBK सुंदरम का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है। अगर आपसे पूछो कि पहले चुनाव आयुक्त कौन थे, तो ये थे सुकुमार सेन 1985 से 1958 तक, उसके बाद KBK सुंदरम थे। अभी कौन थे? सुशील चंद्रा हैं अभी। चलिए नेक्स्ट है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, उसको कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान की गई है। दूसरा, उसे हटाने का आधार लोकसभा अध्यक्ष के समान है, तो दूसरी बात गलत है। तीसरा, इसके वेतन और भत्ते भारत के संचालन नीति पर भारी होते हैं, ये बात गलत है। पहला पहला स्टेटमेंट इसमें ठीक है। तो देखिए, इसको सुरक्षा प्रदान की गई है, 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की अवधि जो भी पहला होगी इसके लिए कार्य करेगा। उसको किसके समान हटाने का? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान तरीके से हटाया जाएगा। तो इसके वेतन भत्ते भारत के संचित नीति पर भारित नहीं है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, केंद्रीय सतर्कता आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कौन सा कथन गलत है ये बताना है। तो इसकी चयन समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और केंद्रीय गृहमंत्री शामिल होते हैं। दूसरा, इसका वेतन UPSC के समान होता है, UPSC अध्यक्ष के समान होता है, दोनों हमारे ठीक है, कोई भी इसमें गलत नहीं है। नेक्स्ट है, केंद्रीय सतर्कता आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कौन सा गलत है आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट है, इसके अध्यक्ष सहित अधिकतम 3 सदस्य हो सकते हैं। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर अपने मोहर के तहत 4 साल की अवधि के लिए 65 वर्ष की आयु के लिए की जाती है। दोनों बातें ठीक है, कोई भी इनमें गलत नहीं है। नेक्स्ट है, केंद्रीय सूचना आयुक्त के बारे में आपको बताना है। तो पहला स्टेटमेंट है इसमें कि यह सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्रालय के तहत स्वतंत्र निकाय है, तो ये बात गलत है। पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत 2005 के तहत इसे वैधानिक दर्जा दिया गया, तो दूसरा स्टेटमेंट ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, देखिए यह एक संवैधानिक संस्था नहीं है, यह केंद्र सरकार के अधीन एक उच्च शक्ति वाले स्वतंत्र कार्यालय के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से किस संस्था ने सबसे पहले सूचना के अधिकार की मांग की थी? तो किसने की थी? किसान मजदूर संघ ने सबसे पहले ये मांग की थी। ये अगर देशों में बात करें तो स्वीडन ने मांग उठाई थी सबसे पहले। नेक्स्ट है, सूचना आयोग की स्थापना कभी थी? ये हुई थी 12 अक्टूबर 2005 में। केंद्रीय सूचना आयोग के संबंध में आपको बताना है। केंद्रीय सूचना आयोग का वेतन एवं सेवा शर्तें UPSC के सदस्यों के समान होते हैं, तो ये बात गलत है। दूसरा, आयोग केंद्र सरकार को एक वार्षिक रिपोर्ट सौंपता है जो इसे संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाती है। दूसरा स्टेटमेंट ठीक है। किसी भी केंद्र या राज्य सरकार के कार्यालय में केंद्रीय सूचना आयोग की पुनर्नियुक्ति की अनुमति नहीं है, बात भी ठीक है। तो दोनों बातें ठीक हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संबंध में सही कथन का चयन करना है आपको। तो देखिए, इसके अध्यक्ष और अन्य सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष कर दिया गया है। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है बताइए। सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद सिद्ध दुर्व्यवहार और अक्षमता के आधार पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति को राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। पहला स्टेटमेंट ठीक है। दूसरा, यह 5 साल की गठित मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों की जांच कर सकता है। तो 5 साल नहीं है, ये 1 साल है। वार्षिक रिपोर्ट किस बारे से संसद पर बाध्यकारी नहीं होती। तीसरा स्टेटमेंट जिसमें आ गया वो गलत हो गया, केवल पहला स्टेटमेंट ठीक है आपका। 1 वर्ष तक के वेतन के मामले देख सकता है, तो आप टाइम पीरियड पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष थे? तो पहले अध्यक्ष कौन थे? रंगनाथ मिश्रा थे। कब? 93 से 96 तक। वर्तमान में कौन है? अरुण कुमार मिश्रा हैं ये। नेक्स्ट है, लोकपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो कौन सा कथन सही है आपको बताना है। पहले, ये लोकपाल मामलों का स्वतः संज्ञान नहीं ले सकता है और इसके लिए शिकायत दर्ज करने की आवश्यकता होती है, ये बात ठीक है। दूसरा, लोकपाल भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों को CBI को स्थानांतरित कर सकता है। दूसरा स्टेटमेंट ठीक है। लोकपाल 2 कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र है और सेवानिवृत्ति के बाद केंद्र सरकार के अधीन पद धारण कर सकता है, बात गलत है। तो पहला और दूसरा केवल स्टेटमेंट ठीक है। तो लोकपाल जो केंद्र या राज्य सरकार के तहत रोजगार के लिए पात्र नहीं है, वो चुनाव नहीं लड़ सकता है और कोई भी राजनीतिक पद धारण नहीं कर सकता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है,
लोकपाल प्रधानमंत्री से संबंधित किन मामलों की जांच नहीं कर सकता है? तो कौन कौन से मामलों की? विदेश मामलों की, परमाणु तकनीक, अंतरिक्ष और आंतरिक सुरक्षा। नेक्स्ट है, नीति आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पहला स्टेटमेंट है, इसे योजना आयोग को भंग करने के बाद बनाया गया था। 1 जनवरी 2015 को वैधानिक दर्जा दिया गया, वैधानिक दर्जा नहीं दिया था, यह थिंक टैंक के रूप में कार्य करता। तो पहला और तीसरा स्टेटमेंट ठीक है। अब कुछ मैथ के रीजनिंग के क्वेश्चन देख लेते हैं। इसको आप मैं स्लो कर दूँ थोड़ा सा, क्योंकि मैं मेरे द्वारा ही नहीं कराया जाएगा, ये दूसरी टीम कराएगी इसको। तो पहला स्टेटमेंट है इसमें, देखिए पहला ही क्वेश्चन है इसमें, तो इसका आंसर है आपका डी। इसका आप एक्सप्लेनेशन देख लें। दूसरा क्वेश्चन आपका, इसका आंसर है आपका ए। तीसरा क्वेश्चन है, इसका आंसर आपका बी। चौथा क्वेश्चन है, इसका आंसर आपका बी। पांचवा क्वेश्चन है, इसका आंसर आपका सी। छठा क्वेश्चन है, इसका आंसर आपका सी। सातवां क्वेश्चन का आंसर भी सी है। आठवें क्वेश्चन का आंसर सी है। नौवें क्वेश्चन का आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आपका यह है। 12 का आंसर भी आपका यह है। कल से हम फुल लेंथ टेस्ट कराने जा रहे हैं, तो भाई अच्छे से आप जो उसको देखिएगा, और फुल लेंथ में पहले आप खुद करने की कोशिश कीजिएगा। 14 का आंसर बी है आपका। 15 का सी है। 16 का आंसर आपका बी है। 17 का आंसर सी है। 18 का आंसर आपका बी है। 19 का आंसर आपका बी है। 20 का आंसर आपका ये है। 21 का फिर देख लेते हैं। देखिए वर्ष 2022-23 में औद्योगिक क्षेत्र में के उपक्षेत्रों को योगदान के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे ज़्यादा विनिर्माण क्षेत्र का है कंट्रीब्यूशन, उसके बाद निर्माण का, उसके बाद विद्युत जल सेवा का, फिर खनन का। खनन सबसे लास्ट में है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 122 है, राज्य में उद्योग क्षेत्र में वर्ष 2022-23 में इष्टतर मूल्यों पर कितने परसेंट की वृद्धि देखी गई है? तो 6.32% की वृद्धि देखी गई है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IPP के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कौन सा कथन असत्य है आपको बताना है। तो यह संकेतक एक निश्चित अवधि में विनिर्माण, खनन एवं विद्युत क्षेत्रों में परिवर्तन को नापता है, तो ये बात ठीक है। दूसरा, राज्य में आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के निर्देशन में इसका संकलन होता है। इसका आधार वर्ष 4-5 है। दूसरा भी ठीक है, आधार वर्ष गलत है, तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है। इसका आधार वर्ष है 2011-12। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए अब कुछ लोगों के साथ ना बताओ, 8 कोर सेक्टर होते हैं, कौन कौन से हैं वो। इनका भारत 40% है GDP में। रिफाइनरी हो गया, विद्युत, स्टील, क्रूड ऑयल, कोयला, सीमेंट, प्राकृतिक गैस, उर्वरक। अगर भारांश की बात करें सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा भारांश है आपका रिन्यूएबल, ये रिफाइनरी में, उसके बाद में ये एनर्जी हो गया इलेक्ट्रिक यानी ये, उसके बाद में ये आपका सीमेंट हो गया। चलिए देख लेते हैं, राज्य में सूक्ष्म लघु उद्योगों इकाइयों के संबंध में विचार करना है। तो पहला स्टेटमेंट है, असत्य कथन आपको बताना है कि MSME को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य में मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 2020 में लाई गई थी। ये कब लाई गई थी? तो ये लाई गई थी 2019 में। पहला स्टेटमेंट गलत है, MSME के लिए राज्य उद्योग मित्र पोर्टल शुभारंभ किया गया। दूसरा स्टेटमेंट ठीक है। तीसरा, राजस्थान MSME अधिनियम जो 12 सितंबर 2019 से लागू है के तहत पंजीकृत इकाइयों को 3 साल तक राज्य के सभी कानूनों से निरक्षण छूट दी गई, ये भी गलत है। तो पहला और तीसरा इसमें गलत है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, राज्य में निर्यात परिदृश्य से संबंधित कथनों पर विचार करना है। तो पहला स्टेटमेंट है, वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य से निर्यात होने वाला शीर्ष वस्तु कपड़ा था, तो ये गलत है। शीर्ष वस्तु थी इंजीनियरिंग वस्तु हैं, क्लियर है, ये थी इंजीनियरिंग वस्तु हैं। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, इसमें आपको सही बताना है। तो मिशन निर्यात बनो पूर्णतः रिको द्वारा चलाया जा रहा है, तो पूर्णतः रिको द्वारा नहीं चलाया, तो दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है। तीसरा, राज्य में 36 जिला उद्योग केंद्र पर MSME निवेशक सुविधा केंद्र है, तो तीसरा स्टेटमेंट ठीक है। मिशन निर्यातक बनो 29 जुलाई 2021 से चलाया जा रहा रिको प्लस राजस्थान सरकार द्वारा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, 7 अक्टूबर 2022 से राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2022 के तहत विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के लिए वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य कितने परसेंट रखा गया है? तो ये परसेंट रखा गया है आपका 15%, यानी कि 15%। चलिए नेक्स्ट है कि भीमराव अम्बेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना के उद्देश्य में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ये
कृषि क्षेत्रों में SC/ST को भागीदारी बढ़ाने के लिए नहीं लाया गया है, ये गैर कृषि क्षेत्रों के विकास के लिए है। ये नेक्स्ट है, ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण हेतु आयु सीमा क्या रखी गई है, तो 16 से 59 रखी गई है। राज्य में मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना का क्रियान्वयन किस संस्था द्वारा किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है राजस्थान कौशल आजीविका विभाग द्वारा, आजीविका विकास निगम और कॉलेज शिक्षा विभाग द्वारा, यानी डी आंसर है। कब आई थी ये, 7 नवंबर 2011 को आई, 2019 को आई थी ये। नेक्स्ट है, सम्मिलित करना आपको, तो एक तरफ तो ये क्लस्टर दे रखें, दूसरी तरफ आपको ये दे रखें क्षेत्र। तो बात करें ये कसीदाकारी क्लस्टर, ये कहाँ पर, ये आपका बाड़मेर में। MSME विश्वकर्मा कहाँ पर, तो ये MSME विश्वकर्मा टावर है आपका, ये जयपुर में। तीसरा शुष्क बंदरगाह की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पर है, ये आपका पचपदरा में। एयर कार्गो है आपका उदयपुर में, तो ये आपका आंसर आ जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 131 है, 20 प्रश्नता रिपोर्ट 2023 के बारे में। पहला स्टेटमेंट है, इस रिपोर्ट को जो है सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है। दूसरा, फिनलैंड इसमें शीर्ष स्थान पर है, भारत 126वें पर है। आय, सामाजिक सहयोग, स्वतंत्रता, भ्रष्टाचार की अनुपस्थिति, उदारता व स्वास्थ्य इसके आधार हैं, ये चारों बातें ठीक हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, हाल ही में किस देश ने CO2 को आयात कर उसे समुद्र के नीचे संग्रहित करने का फैसला किया, तो कौन है, डेनमार्क है। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में यह व्यवस्था दी कि 2 वर्ष से अधिक की सजा के लिए दोषी ठहराए गए निर्वाचित प्रतिनिधि को तत्काल प्रभाव से अपने पद त्यागना होगा, तो लिली थॉमस बनाम भारत संघ है। चलिए नेक्स्ट है, कौन से भारतीय स्थल पर टाइम मैगजीन के महानतम स्थानों में शामिल किया गया, तो कौन से, मयूरगंज, और ये मयूरगंज और लद्दाख हैं ये। नेक्स्ट है, चंद्रयान 3 के संदर्भ में आपको बताना है, इसमें लैंडर, रोवर और ऑर्बिटर शामिल हैं, तो ये बात गलत है, इसमें लैंडर और रोवर शामिल हैं, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। LBM3 M4 द्वारा प्रक्षेपित किया गया, बात ठीक है। चंद्रमा की उत्तरी सतह पर उतारा गया, उत्तरी नहीं दक्षिणी सतह पर उतारा, तो तीसरा स्टेटमेंट तो अपने आप ही गलत है इसका, तो बी आंसर आ जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, एक तरफ विश्वविद्यालय दूसरी तरफ जिला, तो पहला है राजस्थान पशु विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो ये है नागौर में, तो पहले का दूसरा आ गया। उसके बाद में जय मिनिस आदिवासी विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो ये कोटा में है, ये दूसरे का चौथा, तो ये आ गया आपका आंसर। वहीं बात करें राजीव गांधी की यूनिवर्सिटी, ये आपके जयपुर में, और ये महात्मा गांधी दिव्यांग है आपके जोधपुर में। एक तरफ तो खेल अकादमी है, दूसरी तरफ जिला है। बात करते हैं हॉकी की, तो हॉकी कहाँ पर है, उदयपुर में। उसके बाद में है कुश्ती, कुश्ती भीलवाड़ा में। उसके बाद में पैरा खेल, ये है जोधपुर में, और स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है भरतपुर में, तो ये आपका सी आंसर आ जाता है। चलिए नेक्स्ट है, ISSF निशानबाजी वर्ल्ड कप, ये 2023 के संदर्भ में विचार करना है। तो पहला स्टेटमेंट है इसमें, इसका आयोजन भोपाल में किया गया, गलत बताना है, तो बात ठीक है, इसका आयोजन भोपाल में किया गया था। भारत ने पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया है, तो बात गलत है। सरोज सिंह ने स्वर्ण पदक जीता, ये बात भी ठीक है, तो केवल दूसरा स्टेटमेंट इसमें गलत है। भारत दूसरे स्थान पर रहा, पहले स्थान पर कौन रहा था, पहले स्थान पर रहा आपका ये भाई साहब, ये चाइना। किस खिलाड़ी ने पुरुषों की लंबी कूद पर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया, तो कौन है, जेसबिन एल्ड्रिन है ये। नेक्स्ट, राजस्थान में किस स्थान पर AI ऑफ थिंग्स इनोवेशन हब की स्थापना की जा रही है, ये जोधपुर में की जा रही भाई। नेक्स्ट, राजस्थान राइट टू हेल्थ अधिनियम 2023 के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही नहीं है आपको बताना है। तो पहला स्टेटमेंट है, यह अम्ब्रेला कवरेज प्रदान करता है, बट ठीक है। इसके तहत राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण लॉजिस्टिक शिकायत का गठन किया गया, जिसमें जिला कलेक्टर और विधायक शामिल होंगे, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तीसरा, निजी अस्पताल पर लागू नहीं होगा, ये भी गलत है। नेक्स्ट चलते हैं, 142 है, निम्नलिखित में से किसे चिल्ड्रन चैंपियंस अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो किसको, कीर्ति भारती को सम्मानित किया गया है, बाल विवाह उन्मूलन पर इन्होंने काम किया है। नेक्स्ट, भारत का पहला राष्ट्रीय ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो एक गुरुग्राम में स्थापित किया जा रहा है। PM मित्रा योजना के बारे में देख लेते हैं, वस्त्र मंत्रालय की योजना है, कौन सा कथन गलत है, ये चुनना है। यह एक ही स्थान पर कताई, बुनाई, रंगाई और छपाई से लेकर परिधान निर्माण, कपड़ा मूल्य को लक्षित करेगा। तीसरा, इसके अंतर्गत चरण में 7 पार्क निर्माण किए जाएंगे 4,445 करोड़ रुपये के बजट से, तो तीनों बातें ठीक है, कोई भी बात गलत नहीं है इसमें। नेक्स्ट है, हंसी एक प्रार्थना निम्नलिखित में से किसकी कृति है, तो ये कृति है रति सक्सेना की। नेक्स्ट है, ये नेहरू बाल साहित्य अकादमी कहाँ स्थापित है, तो ये आपकी जयपुर में स्थापित है। तो पैनोरमा निर्माण स्थलों को सम्मिलित करना है इसमें, तो पन्ना दया कहाँ है, पन्ना दया आपका
ये पांडोली में। उसके बाद में बात करते हैं आप केसरी सिंह बारहट की, ये आपका शाहपुरा में, अमराज जी भगत है ये चित्तौड़गढ़ में, तो डी आंसर आपका आता है। 23वें राष्ट्रीय मंडल विधि सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया, तो ये किया गया था आपका गोवा में। नेक्स्ट है द इंडियन मेट्रोपोलिक्स डिस्ट्रिक्टिंग इंडियाज अर्बन स्पीसीज का लेखक कौन है, तो इसके लेखक है वरुण गांधी। नेक्स्ट है 150 क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन है, सिलिकोसिस उपचार बिंग ये कहाँ पर, ये आपके अजमेर में। अंतर्राष्ट्रीय होली महोत्सव कहाँ पर, सब जानते होंगे पुष्कर में है। राजस्थान साहित्य उत्सव ये आपका जोधपुर में, राजस्थान मिलेट कॉन्क्लेव है आपका ये जयपुर में, तो ये सी आपका आंसर आ जाता है। सिलिकोसिस उपचार बिंग अजमेर, अंतर्राष्ट्रीय होली महोत्सव पुष्कर, राजस्थान साहित्य उत्सव जोधपुर और मिलेट्स कॉन्क्लेव जयपुर। तो भाई ये हमारे सब्जेक्ट वाइज ये टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, एक टेस्ट पहले रह गया था उसको हम किसी दिन डिस्कस कर रहे हैं, हिस्ट्री का है और राजस्थान की हिस्ट्री प्लस भारत की हिस्ट्री। अब से हम कल से कोशिश करेंगे कि आपको फुल एंड टेस्ट कराया जाए। तो चलिए फ्रेंड बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। अभी भी जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, और दोस्तों को भी लिंक शेयर कर दो, खुद भी अधिकारी बनाओ दूसरों को भी बनवाओ, दूसरों को भला सोचो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।